हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल ई सी एल ई। एवरीबडी कैन लर्न इंग्लिश, यू कैन लर्न इंग्लिश। स्वागत है आपका ई सी एल ई की वोकैबुलरी की क्लास में। शायद आप लोग चौंक गए होंगे कि मैं आज लाइव क्यों नहीं आया, आपको लाइव क्यों नहीं पढ़ा रहा है और रात क्यों है। तो एक्चुअली मैं ये वीडियो मैं नाइट में शूट कर रहा हूँ और हो सकता है कि आप डेली आपको जो वोकैबुलरी है, जो मॉर्निंग वाली वोकैबुलरी की शूट है, वीडियो है, वो आपको रात वाली मिले, क्योंकि एक यूट्यूब का बैड अपडेट आ गया है, थोड़ा सा दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लाइव क्लास नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चाहे जो भी हो, वॉट एवर मे बी, हम रुकने वाले नहीं हैं, वी आर नॉट अबाउट टू स्टॉप। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और आप इस क्लास को उसी प्रकार से देखना जिस प्रकार आप लाइव देखते थे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आप अगर शेयर करोगे तो वीडियो की रीच पहुँचेगी और मुझे मदद मिलेगी। कैसी मदद मिलेगी? लोगों तक वीडियो और ज़्यादा पहुँचेगी। तो मेरे निवेदन है, हाथ जोड़कर कृपया वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त तक शेयर करें, क्योंकि अगर आप इसी प्रकार की अगर वीडियो चाहते हो और आप चाहते हो कि समस्याएं आए लेकिन आपको एजुकेशन वीडियो सब मिलती रहे, तो आपको आप शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरी हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को वोकैबुलरी की, ठीक है, और देखते हैं वोकैबुलरी की आज शानदार क्लास को, ठीक है। आप पेन कॉपी रखो, नोट करना, ठीक है, और जो भी सेंटेंस आप बनाओ वो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, ठीक है, ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो सके और मैं भी आपको देख सकूं कि यस मैं क्या वो कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले फर्स्ट वोकैबुलरी लेते हैं, ठीक है। इसकी दो मीनिंग्स हैं, देखो क्या है, देखो दूसरे क्या है, प्रोमिनेंट है, यहाँ लिख देता हूँ प्रोमिनेंट, पी आर ओ एम आई एन ई एन टी, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का क्या मतलब होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट के दो मतलब सबसे पहले जान लो, यह आपका एडजेक्टिव है, यह क्या एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है प्रसिद्ध, क्या होता है प्रसिद्ध बोल सकते हैं, या पर हम महत्वपूर्ण बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, महत्वपूर्ण बोल सकते हैं, ठीक है, या हम प्रसिद्ध बोलेंगे या महत्वपूर्ण। प्रोमिनेंट मतलब प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण होता है। तो हम सेंटेंस के दो सेंटेंस बनाएंगे, फर्स्ट सेंटेंस अगर हम बनाएं, अगर प्रोमिनेंट के तौर पर, अगर प्रसिद्ध के तौर पर बनाएं, तो बोल सकते हैं ताजमहल इज प्रोमिनेंट, ओके, इन द वर्ल्ड। ताजमहल कहाँ फेमस है? ताजमहल विश्व में प्रसिद्ध है, ताजमहल विश्व में प्रोमिनेंट है, ताजमहल इज प्रोमिनेंट इन द वर्ल्ड। ताजमहल कहाँ प्रसिद्ध है? विश्व में प्रसिद्ध है। एक सेंटेंस बना लिया, ऐसे दूसरे हम बना सकते हैं, ठीक है, सेंटेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से वाक्य को याद करना है तो एक आप सेंटेंस बनाओ जिस प्रकार से मैं बना रहा हूँ आपको, ठीक है। तो क्या है, ताजमहल इज प्रोमिनेंट इन द वर्ल्ड, ताजमहल क्या विश्व में क्या है, विश्व में फेमस है ना, ताजमहल है ना कि नहीं है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, एजुकेशन इज प्रोमिनेंट फॉर अस, एजुकेशन इज प्रोमिनेंट फॉर अस, शिक्षा हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, शिक्षा क्या है हमारे लिए, महत्वपूर्ण है, एजुकेशन इज प्रोमिनेंट फॉर अस। तो ये वर्ड था, फर्स्ट वर्ड था क्या था, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण। हम दो एग्जाम्पल देखें, ताजमहल इज प्रोमिनेंट इन द वर्ल्ड, ओके, सेकेंड है एजुकेशन इज प्रोमिनेंट ऑफ अस, ठीक है। तो हमारे लिए क्या, शिक्षा महत्वपूर्ण है, और ये क्या है, प्रोमिनेंट मीन्स महत्व, ये होता है प्रसिद्ध। तो दो मीनिंग, दो अलग अलग मीनिंग है, तो दोनों के सेंस में आपको सेंटेंस आपको बनाना बताया है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस लेते, इसको मिटाना पड़ेगा, आप अपनी कॉपी पर नोट करते चलते जाना, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कौन सा वाक्य है नेक्स्ट वाली, ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं आराम से, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य तो देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्या है ये, यहाँ देखो, इंसीडेंटली, क्या इंसीडेंटली, आई एन सी ई सी आई डी ई एन टी डबल एल वाई, इंसीडेंटली, इंसीडेंट, इसके भी दो मीनिंग है, इसका ये भी एडजेक्टिव है, कौन कौन सी ध्यान रखो, पहला है संयोग से, क्या है, संयोग से, या हम बोल सकते हैं आकस्मिक, क्या बोल सकते हैं,
आकस्मिक रूप से, मतलब अचानक से बोल सकते हैं, संयोग से या आकस्मिक, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं क्या इंसिडेंटली, या हम एक प्रूफ हम एक्सीडेंटली भी हम बोलते हैं ना कभी कभी, बोलते हैं एक्सीडेंटली। तो इंसिडेंटली का मतलब क्या होगा, आकस्मिक या फिर संयोग से या फिर आकस्मिक होगा, आकस्मिक एक्सीडेंटली कोई चीज़ हो जाए, ठीक है। तो या फिर संयोग से या आकस्मिक में, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं ही गॉट मैरिज, ही गॉट मैरिज किससे, इंसिडेंटली ही गॉट मैरिज उसकी शादी हो गई, ही गॉट मैरिज इंसिडेंटली, मतलब उसकी शादी किस कैसे हो गई, आकस्मिक हो गई, क्या आकस्मिक से हो गई, ही गॉट मैरिज, ठीक है, ही गॉट मैरिज इंसिडेंटली, उसकी शादी आकस्मिक हो गई, अचानक हो गई बोल सकते हैं, या संयोग से हो गई, सीधी बात है, संयोग से उसकी शादी, संयोग से हो गई, जल्दी हो गई शादी। तो हम इसके किस में, इसको हम पॉजिटिव तौर से भी कर सकते हैं, पेन इज नॉट वर्किंग, इस हम किस तौर पर बोल सकते हैं, हम पॉजिटिव के तौर पर सभी बोल सकते हैं। ऐसे इसका नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या है, इंसिडेंटली मीन्स आकस्मिक रूप से। तो हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि ही वॉज गोइंग टू साहेपुर ओके वन ट्रक हैज कम, ठीक है, वन ट्रक हैज कम इन फ्रंट ऑफ द बाइक ओके इंसिडेंटली, ठीक है। लंबा सेंटेंस बन गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस क्या लंबा बन गया लेकिन दिक्कत नहीं है। ही वॉज गोइंग टू साहेपुर, वह साहेपुर जा रहा था, अचानक से वन ट्रक सामने आ गया, या हम बोल सकते हैं आकस्मिक रूप से क्या ट्रक सामने आ गया, तो इंसिडेंटली हम बोल सकते हैं। तो हमने एक मीनिंग दो हमने सेंटेंस बनाए, दो मतलब दो सेंटेंस, तीन मीनिंग तीन मतलब तीन सेंटेंस, जितने मतलब उतने सेंटेंस हम बनाएंगे। तो इंसिडेंटली मतलब क्या होता है, संयोग से या आकस्मिक रूप से, क्या संयोग से आकस्मिक रूप से हमने सेंटेंस बनाया है, ही गॉट मैरिज इंसिडेंटली संयोग से उसकी शादी हो गई, ही वॉज गोइंग टू साहेपुर वन ट्रक हैज कम इन फ्रंट ऑफ द बाइक ओके, अचानक से आकस्मिक रूप से एक ट्रक किसके ट्रक आ गया, बाइक के सामने आ गया बोल सकते हैं ना, ये क्रॉस कर गया हम बोल सकते हैं, वन ट्रक हैज क्रॉस्ड इंसिडेंटली, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इंसिडेंटली, तो आपको ये भी वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, बिल्कुल ध्यान से देखना, कहीं छोड़ कर नहीं जाना वीडियो को, लास्ट तक देखना, ये मत सोचना कि मैं कर लूँगा, क्योंकि मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे जो भी हो जाओ, वॉट एवर मे बी आई विल ब्रिंग वोकैबुलरी टू यू, चाहे जो भी हो जाए ओके, मैंने अपने आप से एक प्रण लिया, वॉट एवर मे बी बट आई विल कम, मैं आपको वोकैबुलरी जरूर पढ़ाऊंगा, जरूर आपको बेनिफिट होगा, चाहे जितना भी कितनी दिक्कत क्यों ना आए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लेंडर, क्या ब्लेंडर, BLUNDER ब्लेंडर, तो ठीक है। तो ब्लेंडर क्या है, ये नाउन भी है, ध्यान रखना, ये नाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी है, ठीक है। ब्लेंडर मीन्स क्या होता है, देखो ब्लेंडर मीन्स क्या होता है, पहले बात है, नाउन है, एडजेक्टिव बोथ नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और किसके एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, किसकी तरह यूज़ कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं भारी भूल करना, ठीक है, भारी भूल करना या बड़ी भूल, ये वर्ब है, ये क्या है, नाउन है, ठीक है। तो ब्लंडर मीन्स क्या होता है, ब्लंडर मीन्स होता है भारी भूल करना या बड़ी भूल बोलते हैं। तो एक सेंटेंस लेते हैं, हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आपने भारी भूल की है बोल सकते हैं, ठीक है, आपने भारी भूल की है कि आप यहाँ आए, बोल सकते हैं you have come here, ठीक है।
यू हैव ब्लेंडर डेट, यू हैव कम, आपने बड़ी भूल की है कि आप यहाँ आ गए, बड़ी भूल कर दी, बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं, लेकिन ई सी एल ई पे आ गई, बड़ी भूल नहीं है आपने, ना तो ये समझो, ठीक है। तो क्या है, यू हैव ब्लेंडर डेट, यू हैव कम हेयर, आपने बड़ी भूल की है कि आप यहाँ आ गए, ठीक है, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, आप यहाँ आए हैं, ठीक है। दूसरा, बड़ी भूल, ये बड़ी भूल करना है, ये बड़ी भूल है, क्या है, बड़ी भूल है, तो बोल सकते हैं कि, बोल सकते हैं वह कार तेज चला रहा था, एंड हाँ वह कार तेज चला रहा था, ठीक है, एंड इट इज योर, इट इज योर ब्लेंडर, ये आपकी बड़ी भूल है, इट इज योर ब्लेंडर, वह कार बेकार चला रहे थे, बेकार चला रहे थे, एंड इट इज योर ब्लेंडर, बोल सकते हैं, भाई कार चला रहे थे, और इट इज देयर, देयर नहीं सॉरी योर हो जाएगा, यह उनकी बड़ी भूल है कार चलाना, ठीक है, देयर ब्लेंडर हो जाएगा, सॉरी माफ करना, ठीक है, सॉरी, देयर ड्राइविंग कार, वह कार तेज चला रहे थे, इट इज योर ब्लेंडर, अब मैंने इसमें बीच में काट दिया, सेंटेंस लंबा हो जाता है, वह कार चला रहा था और अचानक से एक्सीडेंट हो गया, दिख एंड एक्सीडेंट, इट इज़ योर बिग ब्लेंडर, बोल सकते हैं, आपकी क्या है, ये आपकी बड़ी भूल है, इट इज़ योर ब्लेंडर, हम बोल सकते हैं, ठीक है, हो गया ना, आ रहा ना समझ में, आपको आ रहा होगा, ठीक है, नोट करते जाना, मैं मिटाता चलता हूँ, ठीक है, बस थोड़ा सा बस वेट करते रहना, ठीक है, ऐसे नेक्स्ट बुक लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या, अक्वायर, क्या, एक्वायर, एक्वायर, ठीक है, एक्वायर मीन्स क्या होता है, ये वर्ब है, ध्यान रखो, इसका मतलब होता है प्राप्त करना, क्या होता है, बताओ जल्दी, इसका मतलब होता है प्राप्त करना, लिखो प्राप्त करना, नीचे लाइव चल रहा होगा, प्रीमियर में जाएगी, प्रीमियर बीड आ रही होगी, लिखो एक्वायर मीन्स क्या होता है, प्राप्त करना, लिखो जल्दी, लिखो, हाँ चलो लिख रहा होगा, आप मैं कमेंट आपका देख रहा होगा, ठीक है, तो एक्वायर मीन्स क्या होता है, प्राप्त करना, क्या, प्राप्त करना, जो आपने प्राप्त कर लिया है, क्या प्राप्त कर लिया है, तो बोल सकते हैं, वी मस्ट एक्वायर नॉलेज, यू मस्ट एक्वायर नॉलेज, आपको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, यू मस्ट एक्वायर एक्सपीरियंस, बोल सकते हैं ना, यू मस्ट एक्वायर नॉलेज या एक्सपीरियंस, ये तो ईजी है, ठीक है, एक्वायर मीन्स क्या होता है, प्राप्त करना, तो यू मस्ट एक्वायर नॉलेज, आपको ज्ञान प्राप्त करना ही चाहिए, क्या, आपको ज्ञान करना ही चाहिए, ठीक है, बी मस्ट नॉट एक्वायर बैड हैबिट्स, हमें गलत आदतें प्राप्त नहीं करनी चाहिए, सही है, मोबाइल हिल गया, सही है, ठीक है, सही है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये छोटी सी मीनिंग थी, सेंटेंस आपको बनाना है, ठीक है, सेंटेंस आपको बनाना है, वीडियो थोड़ी सी छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, आपको ही थोड़ा सा टाइम बचत होगी, ठीक है, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, दूसरा है क्या, देख लो, FAMILIARIZE, ठीक है, फैमिलाइज मीन्स क्या होता है, ये नाउन है, ध्यान रखना, ये क्या है, नाउन, इसका मतलब होता है परिचित, क्या होता है, परिचित, क्या होता है, परिचित, फैमिलाइज मीन्स परिचित, क्या, परिचित, जो परिचित, क्या आप मेरे परिचित हो, आर यू फैमिलाइज, फैमिलियाइज, ठीक है, थोड़ा प्रोनंसिएशन उसमें भी नहीं बनना है, प्रोनंसिएशन, ठीक है, मैं भी सीख लूँगा, ठीक है, तो बोल सकते हैं, आर यू, क्या है, फैमिलियाइज, आर है जो, ली राइज, फैमिली राइज, फैमिलियराइज, ठीक है, क्या आप, आर यू फैमिलाइज, ठीक है, क्या आप परिचित हो, आर यू माई फैमिलाइज, क्या आप मेरे परिचित हो, यस यू आर फैमिलाइज, आप मेरे परिचित हो, आप मेरे परिचित हो ना, हो, ठीक है, तो फैमिलाइज मीन्स क्या होता है, परिचित है, क्या, नाउन है, नाउन, ध्यान रखना, नोट कर लेना अपनी कॉपी पर, नोट कर लेना, ठीक है, ठीक है, एक तो थोड़ा सा एडवांटेज भी है, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा कंज्यूम कम लगेगा आपको, टाइम बोलते हैं ना क्लास, कुछ लोग मतलब लगता है सो रहे हैं, क्लास बोरिंग लग रहा है, बट नहीं होगी, ठीक है, लाइव में, लेकिन लाइव में फ्री मजा आता है, चलो ठीक है, तो फैमिलाइज
मैं आपको एहसास नहीं करने दूंगा कि आप लाइव देख रहे हो कि आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो, एहसास नहीं होगा आपको। तो फेमिलाइज मीन्स परिचित, मतलब आर यू फेमिलाइज, क्या आप परिचित हो? बिल्कुल हो परिचित, बोल सकते हैं क्या? बताओ जल्दी से। यस, बिल्कुल बोल सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, क्या लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में? सेंटेंस बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं, अगर आप सच में अगर आप कुछ गेन करना चाहते हो। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट देखते हैं। यह है प्रोस्पेक्टिव, क्या है प्रोस्पेक्टिव? प्रोस्पेक्टिव का पी आर ओ प्रो सॉरी पी आर ओ एस पी ई सी टी आई वी ई प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव है, ध्यान रखना, इसका मतलब होता है भावी। प्रोस्पेक्टिव, आप हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री हो, आप हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री हो, यू आर प्रोस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, माई कंट्री, हमारे देश के, आप देश के भावी प्रधानमंत्री हो क्या? डू यू वॉन्ट टू? ओके, आप भावी कलेक्टर हो, आई एस आई पी एस हो, दरोगा हो, दरोगी हो, ठीक है, इफ यू आर डूइंग द प्रोफेशन। आप एम पी हो, एम एल ए हो, क्या भावी हो? तो यू आर प्रोस्पेक्टिव एम एल ए, यू आर प्रोस्पेक्टिव एम पी, एम एल ए बोल सकते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सॉरी, ठीक है, तो बोल सकते हैं भावी, तो बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं? आर यू प्रोस्पेक्टिव टॉपर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट बन जाओ, ठीक है, आर यू प्रोस्पेक्टिव टॉपर स्टूडेंट, क्या आप भारी सॉरी भावी, क्या आप भावी टॉपर स्टूडेंट हो? भावी हो आप हो भावी स्टूडेंट टॉपर हो, ठीक है, तो क्या आर यू प्रोस्पेक्टिव टॉपर स्टूडेंट, क्या आप भावी टॉपर स्टूडेंट हो? आपको डिसाइड करना है। ओके चलो, तो प्रोस्पेक्टिव मीन्स क्या? तो भावी, ये क्या है? एडजेक्टिव, क्या है एडजेक्टिव, ध्यान रखना, माइंड में सेट करना है, ये क्या है एडजेक्टिव, इसका मतलब भावी होता है, क्या भावी, भावी भावी, वो वाली भाभी नहीं अपनी भाभी रहती हैं भाभी जी, ठीक है, वो भाभी नहीं भाभी है, भाभी देश के भाभी प्रधानमंत्री, ठीक है, ऐसा में चलो आ गया होगा, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अडोर, ए डी ओ आर ई, अडोर, अडोर मतलब क्या होता है? अडोर मतलब होता है, सब सब जान लो ये वर्ब है, इसका मतलब होता है पूजा करना, यह हम वॉर्शिप भी बोलते हैं शुद्ध देसी भाषा, मतलब दूसरी, देखो अडोर, ए डी ओ आर ई, अडोर, अडोर मीन्स क्या होता है? पूजा करना, क्या पूजा करना? डू यू अडोर ऑफ गॉड, क्या आप भगवान की पूजा करते हो? आई डोंट अडोर, डू यू, ओ जैसा लगा रहा है ये तो, डू यू अडोर ऑफ गॉड, डू यू अडोर ऑफ गॉड, डू यू अडोर ऑफ गॉड, क्या आप भगवान की पूजा करते हो? डू यू अडोर ऑफ गॉड, यस, चलो हाँ, दी अडोर गॉड, दी अडोर गॉड, भाई क्या ये गुड हो गया, वो भगवान की क्या पूजा करते हैं, ठीक है, बे पूजा करते हैं, या यू, आंसर तो वैसे यू में होना चाहिए, यू, यू अडोर गॉड, I don't adore God, मैं भगवान की पूजा नहीं करता, इट्स my पर्सनल यार, ओके, दिल पर नहीं लेना, ठीक है, रिलीजन इज योर, आई थिंक दैट पर्सनल, रिलीजन इज पर्सनल, ओके, रिलीजन तो पर्सनल है, ठीक है, इसलिए उस पर नहीं लेना, ठीक है, बट आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, ठीक है, दूसरा है कन्विंसिंग, क्या है कन्विंसिंग? सी ओ एन वी आई एन सी आई एन जी, कन्विंसिंग, कन्विंसिंग का मतलब क्या होता है? कन्विंसिंग सबसे पहले जान लो क्या है, ये एडजेक्टिव है, क्या है? एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है विश्वासप्रद, आर यू कन्विंसिंग पीपल, क्या आप विश्वासप्रद व्यक्ति हो? बोल सकते हैं ना, विश्वासप्रद, क्या है विश्वासप्रद, मतलब कन्विंसिंग, ये क्या एडजेक्टिव है, इसका मतलब विश्वासप्रद, आर यू कन्विंसिंग पीपल, क्या आप विश्वासप्रद व्यक्ति हो? बोल सकते हैं ना, यस, तो हम बोल सकते हैं क्या, क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं शी वॉज कन्विंसिंग
गर्ल, सी वॉज कन्विंसिंग गर्ल, वो क्या थी, विश्वासप्रद क्या थी, वह विश्वासप्रद लड़की थी, शी वॉज कन्विंसिंग गर्ल, विश्वासप्रद लड़की थी, ठीक है, इस कर दे यार, थी इज अच्छा लगता है, सी इज कन्विंसिंग गर्ल, पर विश्वासप्रद लड़की है, क्या है, विश्वासप्रद लड़की है, बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसी नेक्स्ट सी के लास्ट चलते हैं, ठीक है, नोट करते चलना आराम से, ठीक है, नोट करते जाना, नेक्स्ट का इंटेंट, आई एन टी ई एन टी, इंटेंट, इंटेंट मीन्स सबसे पहले जान लो क्या है, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है, इरादा, क्या होता है, इरादा या उद्देश्य, व्हाट इज योर इंटेंट, व्हाट इज योर इंटेंट, आपका इरादा क्या है, ठीक है, तो एक इरादा एक उद्देश्य, ठीक है, तो बोल सो व्हाट इज योर इंटेंट, व्हाट इज योर एम, व्हाट इज योर इंटेंट, आपका इरादा क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज योर इंटेंट, दोनों एक से लग रहा है, लेकिन जब हम सेंटेंस को आगे पीछे कोरिलेट करते हैं ना, जब हम समझ में आता है, तो हम एक इसका एक ही बनाएंगे, भले दो मीनिंग से, भले क्या है इसके दो मीनिंग से, लेकिन इसके हम कितने, एक ही दो बनाएंगे, एक बनाएंगे, ठीक है, बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, योर, चलो दो बना देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, योर इंटेंट वॉज, ठीक है, नहीं 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 you want to be, you want to be, क्या, you want to be teacher and we know that, we know that it's your intent, ठीक है, इसमें बस तो अगर करंटली की सोच उसमें बोले ना तो कर सकते दोनों में, यू वॉन्ट टू बी टीचर, आप टीचर बनना चाहते हो, वी नो डैट, हम जानते हैं, इट्स योर इंटेंट, हम जानते हैं, इट्स योर इंटेंट, इट इज़ योर इंटेंट, यह आपका इरादा है, यह आपका उद्देश्य, यू वॉन्ट बी टीचर, बोल सकते हैं ना, यस बिल्कुल, वी कैन यूज दिस वर्ड, वी कैन यूज दिस वर्ड, वी कैन यूज दिस वोकैबुलरी एंड You don't need to mug up intent means, you don't need to mug up what, which type of mug up, like intent means irada, intent means of this, intent means irada, intent means of this, prospective means blah blah blah, ठीक है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं, just you have to practice, just you have to make the sentence and you will learn, you don't forget, you will not forget, okay, last, आज का last क्या है, arrogant, जल्दी मिटा देते हैं, last क्या, last, एरोगेंट क्या है, एरोगेंट, एरोगेंट क्या है, ए डबल आर ओ जी ए एन टी, एरोगेंट, एरोगेंट मीन्स क्या होता है, घमंडी, क्या होता है, घमंडी, क्या है, ये ध्यान रखना, ये नाउन भैया है, ये नाउन बड़े दाह, ठीक है, तो एरोगेंट, एरोगेंट मीन्स क्या होता है, घमंडी, जो व्यक्ति घमंडी वो क्या है, एरोगेंट, क्या है, एरोगेंट, ठीक है, तो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ही वॉज नॉट, ही वॉज नॉट फैमिलियर, ही वॉज नॉट फैमिलियर, वह मिलनसार नहीं है, डैट इज वाई, डैट इज वाई, या बिकॉज ही भी यूज कर सकते हैं, He is arrogant. वह मिलनसार नहीं है इसलिए तो वह क्या है, arrogant है, वह मिलनसार नहीं है इसलिए वह क्या है, arrogant है, क्या है, arrogant, are you arrogant, no, I know that you will not be arrogant because you are the student, you have the knowledge, you know that there is no means of the arrogant, okay, we must be familiar, we must not be arrogant. ओके सो ये आपकी वोकैबुलरी थी, आपकी वोकैबुलरी कैसी लगी, रिकॉर्डेड क्लास की, क्लास की कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, सभी जगह शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि इस चैनल की ज़्यादा ज़्यादा रीच पहुँच सके, लोगों तक नॉलेज पहुँच सके, चैनल पहुँचाना नहीं है मेरा उद्देश्य, नॉलेज पहुँचाना है, ओके तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, आप खूब सारी पढ़ाई करें.